हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी के इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपका तालाब है और तालाब में मछली मर रही है तो क्या कारण हो सकता है। दोस्तों तालाब में मछली मरने से पहले मर रही है तो अगर आप उसको सबसे पहले उसका पानी का जांच करें, पानी का पीएच अमोनिया जांच करें और जांच में पता करें कि क्या क्या कारण हो सकता है। अगर पानी में अमोनिया बढ़ गया है, पीएच बढ़ गया है, दोस्तों अगर पीएच बढ़ गया है, अगर मछली सुबह टाइम पप्पू के ऊपर आ रही है तो उस समय में आप ऑक्सीजन पाउडर छिड़काव कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन टैबलेट भी आता है और एक ऑक्सीजन पाउडर आता है। तो दोस्तों ये पाउडर है तो अगर आप इसको पानी में 100 से 150 ग्राम प्रति कट्ठा के हिसाब से आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। और ये एक ऑक्सीजन टैबलेट जो मछली अचानक से मरने लगती है, अगर पूरा ऑक्सीजन लेवल पूरा तालाब का डाउन हो जाता है तो उस स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको सूखा भी छिड़काव कर सकते हैं और पानी में भी छिड़काव कर सकते हैं। तालाब में कुछ मछली मरी हुई थी तो उसका रीज़न यही था कि सुबह के टाइम ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है क्योंकि रात भर धूप नहीं निकलता है। पानी का लहर जो होता है, पानी मेन जरूरी होती है पानी में लहर उत्पन्न करना। पानी में लहर उत्पन्न हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है तो उस स्थिति में मछली सही रहेगी। और रात भर तक धूप निकलता भी नहीं है और थोड़ा सा उस समय में सुबह 3 से लेकर 6 बजे के बीच में काफ़ी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। उस स्थिति में आपके मछली मरने लगती है। अगर आपका पानी के पानी सही है, पानी दूषित नहीं है, अगर पानी दूषित है तो आप इस पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे हम अभी तालाब में अपना छिड़काव करते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये पाउडर है जो आपको नमक के जैसा दिख रहा होगा, इसी को आप तालाब में पानी में घोल के 100 से 150 ग्राम प्रति कट्ठा के ऑक्सीजन पाउडर पानी में घोल के इसको छिड़काव कर सकते हैं। देखिए इसका पैकेट आता है, हम इसको 2 kg का पैकेट बना के रखे हुए हैं और हर तालाब में इसका छिड़काव कर रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह मछली मर जग रही है और इसमें पीएच और अमोनिया दोनों बढ़ गया है जिस कारण से हम इसको छिड़काव करने को मजबूर हैं। हम तो इसको हम छिड़काव करते हैं, इसको पानी में अच्छे से घोल लेंगे और इसके बाद से हम इसको छिड़काव करेंगे। अक्सर दोस्तों पानी में हम इसको घोल लिए हैं और चलिए दोस्तों इसका छिड़काव करते हैं। पूरा तालाब में घूम घूम के इसका छिड़काव करेंगे। दोस्तों अगर फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। ये दोस्तों फिर दूसरे तालाब में इसका भी छिड़काव करेंगे, इसका भी कुछ प्रोसेस ऐसा ही होगा। तो अपने हिसाब से कितना तालाब में पानी है और उसमें कितना एकड़ का है उसके हिसाब से हम इसमें छिड़काव करेंगे और इसको पानी में घोलेंगे और उसके बाद हम पूरे तालाब में घूम घूम के इसको छिड़काव करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, और इसी तालाब में काफ़ी सारा मछली मरी हुई थी वो भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये फंगासिया से जो मरी हुई थी, ये किसी और रीजन से भी मरी हुई थी, ये भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर आप ऑक्सीजन टैबलेट का भी यूज़ जानना चाहते हैं कैसे है करता है, इसका भी यूज़ करते हैं और उसका कब यूज़ करना है, कैसे करना है, तो उसके ये ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है दोस्तों, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो जाके आप वो भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना गहरा पानी में भी इसको छिड़काव करते हैं। दोनों तरफ घूम घूम के चारों तरफ पूरे तालाब में घूम कर इसका छिड़काव करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो आपका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल से सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हर प्रकार का फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है। कोई भी सरकारी योजनाएं हो उसका रिलेटेड भी इस पर वीडियो अपलोड होता है। तो दोस्तों अगर फार्मिंग से रिलेटेड हर तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो चलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आपका वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।